नमस्कार, मैं हूं अखिलेश मिश्रा, आज बिफोर टीम कानपुर। आज हम एक ऐसी शख्सियत से मिलने जा रहे हैं जो कैंसर पर काम कर रहे हैं आयुर्वेदिक के माध्यम से। इन्होंने अपने आयुर्वेदिक की दवाइयों के माध्यम से ऐसे ऐसे कैंसर पीड़ितों को राहत दी है जिनको डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। आज बहुत चुनौतीपूर्ण काम कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक इनका जो जीवन रहा है वो सैन्य जीवन रहा है। इन्होंने सैन्य से रिटायर होने के बाद आयुर्वेदिक की दुनिया में आए, क्योंकि इनका एक पैतृक व्यवसाय था, उसी दुनिया में आके इन्होंने इस पे कैंसर पे काम करना शुरू किया। और उसके बाद सबसे बड़ी बात यह है, कई पेशेंटों को इन्होंने राहत दी अपनी दवाइयों के माध्यम से। और सबसे ज़्यादा पॉजिटिव बात यह रही है कि इन्होंने जितनी भी दवाइयाँ कैंसर के नाम पर बांटी हैं वो सब मुफ्त हैं। आज हम मुलाकात कराते हैं प्रसिद्ध वैद्य डॉक्टर अनिल कुमार वर्मा से, उनसे मिलते हैं और उनसे पूछते हैं कि ये कैसे क्या अपना चला रहे हैं, दवाइयों का कार्यक्रम चला रहे हैं और कैसे मरीजों को राहत देने का काम कर रहे हैं। अनिल कुमार वर्मा जी, आपका बिफोर न्यूज मिनट में स्वागत है। अब आप बताइए कैसे ये कैंसर पर आप काम कर रहे हैं और कैसे मरीजों को राहत देने का काम कर रहे हैं। देखिए, वैसे तो मैं सैन्य जीवन से रहा हूँ और उसके बाद मैं रिटायर हुआ। रिटायर होने के बाद ये हमारा पुश्तैनी व्यवसाय था आयुर्वेदिक का, हमारे बाबा के ज़माने से चल रहा था और मेरा उद्देश्य यही था कि मैं रिटायर होने के बाद इसी व्यवसाय को आगे बढ़ाऊँ। फिर ये सब असाध्य रोगों पर हमारी चिकित्साएँ चलती थी, शुगर है, बीपी है, साइटिका है, लकवा है, अन्य पेट संबंधी बीमारियाँ, तरह तरह की बीमारियों का इलाज होता, असाध्य रोगी ज़्यादातर आते हैं हमारे पास। फिर मेरा रुझान कैंसर की तरफ बढ़ा। उसमें हुआ क्या कि मेरी पत्नी को खुद को एक कैंसर हो गया और उन्हें लंग्स का कैंसर था और वो भी फेफड़े के और हार्ट के बीच में था, जहाँ से कि उसे क्लियर करने के लिए भी बड़ा मुश्किल हुआ। इसके लिए हम बहुत परेशान हुए और बॉम्बे गए, टाटा में गए, दिल्ली गए, लखनऊ गए, बहुत जगह भटका और सभी जगह से हमें यही जवाब मिला कि ज़्यादा से ज़्यादा इनका जीवन 6 महीने के लिए है, 6 महीने से ज़्यादा ये नहीं चल सकती हैं। उसके बाद हमने कैंसर के ऊपर भी पूरा आयुर्वेदिक रिसर्च करना शुरू कर दिया, तरह तरह की किताबें, दवाइयाँ खोजना, पढ़ना, और उसके बाद हमने उनको अपनी मिसेज के ऊपर शुरू कर दिया। सबसे पहले मैंने कैंसर में मैंने ये देखा है कि कैंसर रोगी कैंसर से नहीं मरता है, मरता है कैंसर की चिकित्सा से। होता क्या है कि कैंसर की चिकित्सा में कीमो, रेडिएशन, सर्जिकल सर्जरी, यही इसकी चिकित्सा होती है। यानी जो हमारी बॉडी के अंदर 70% 80% सेल्स पॉजिटिव होते हैं और 20% निगेटिव होते हैं, होता यह है कि रोजाना हमारे शरीर में कैंसर बनता है, रोजाना खत्म होता है। पॉजिटिव सेल्स जो हमारे हमारी बॉडी के लिए जो पॉजिटिव सेल्स हैं वो निगेटिव सेल्स को खत्म करते हैं। जब किन्हीं कारणों बस हमारा कोई अंग कमज़ोर हो जाता है तो कैंसर के सेल्स वहीं पर अटैक इकट्ठे होकर के करते हैं। हर कोई गांठ कैंसर है ये कोई डिक्लेयर नहीं है, लेकिन वो कैंसर में कब तब्दील हो जाए ये भी कोई क्लियर नहीं है। ज़्यादातर कैंसर के रोगी जो हमें मिले हैं उनमें 80% माउथ कैंसर, मुँह के कैंसर के रोगी हैं। किसी के जीभ के कैंसर, किसी के गाल का कैंसर, किसी के ग्रास नली का कैंसर, ये ऐसे कैंसर रोगी मिले हैं। सबसे बड़ी बात यह होती है कि जब कैंसर एक तो हमें हुआ क्यों, और जब हो गया है तो इसका ट्रीटमेंट क्या करें। ट्रीटमेंट के लिए रोगी पहले सबसे पहले जाता है, हमारे पास तो बहुत बाद में आते हैं, जब सब कुछ खत्म हो जाता है उनका, यानी उनका रुपया खत्म हो चुका, स्वास्थ्य खत्म हो चुका, यानी लास्ट स्टेज पर जब डॉक्टरों ने जवाब दिया। ऐसे तमाम सारे रोगी मैं आपको अपने वीडियो दिखाऊंगा, जो आते हैं रोगी ये देखते हैं, आप उनके फोटो, उनकी बातचीतें आपको दिखाएंगे, भी हम बताएंगे कि देखो ये इस तरह के रोगी आए हैं। अब इनका क्या है कि बोले डॉक्टरों ने बोला नहीं जाइए अब, यानी पहले उनको अच्छी तरह से लूटा, घसोटा, सब कुछ किया, टरकाया, अब मरने के लिए उन्हें छोड़ दिया। अब कोई विकल्प नहीं तो मेरे पास आए, हमने उनका ट्रीटमेंट किया, 70-80% रोगी रिकवर होकर के ठीक हो चुके हैं। इस पे आप काम कर रहे हैं? हाँ, बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिन पर हम बहुत पहले से काम कर रहे हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास बहुत सारी बीमारियां हैं, साइटिका है, एड़ी का दर्द है, कंपन वायु है, कैंसर तो है ही ऑलरेडी, कल है, समस्त स्त्री पुरुष रोग है, सिस्ट यानी शरीर के अंदर बाहर कहीं पर भी हो, बड़ा ही सफल इलाज है हमारे पास।
पेट गैस्ट्रो लीवर, जो लीवर की परेशानी, अब लोग बड़े बड़े अस्पतालों में भागते हैं, गैस्ट्रो लीवर के बड़े बड़े बोर्ड लगे हैं, बहुत सारी जांचें लिखी हैं, सब कुछ है। मैं बोलता हूं कि हमारे पास अगर आप पेट से संबंधित किसी भी बीमारी आए, चाहे आपके लीवर में गड़बड़ी हो, गैस बनती हो, लीवर आप सोराइसिस हो, तिल्ली बढ़ जाए, ठीक है, बवासीर हो, एसिड बनता हो, हाइपर एसिडिटी हो, कोलाइटिस हो, ये पेट संबंधी सारे रोग बड़ी आसानी से ठीक हो जाते हैं और बहुत कम कीमत में। हमको जैसी जानकारी हुई है कि आप जो ये चिकित्सा करने के लिए, इलाज करने के लिए, खासतौर तो कैंसर पे जगह जगह कैंप लगाते हैं, अभी तक कहाँ कहाँ आपके कैंप हुए हैं? हमने कई जगह कैंप लगाए हैं, यूपी में लगाए हैं, यूपी के बाहर भी लगाए हैं, और जहाँ जहाँ से हमें लोग आमंत्रित करते हैं, हमारी व्यवस्था करवाते हैं। हमारी व्यवस्था में कोई खास कोई खर्चा वर्चा नहीं होता है, हम तो जाते खुद ही अपने तरफ से दवाइयाँ भी लेके जाते हैं, केवल वहाँ बैठने बैठने की व्यवस्था सारी कर दी जाए, कुछ थोड़ा प्रचार प्रसार कर दिया जाए, ताकि हमारे जाने का वहाँ मकसद लाभ मिल सके लोगों को, कि भाई भाई जी आए हैं तो हम दिखाएं, अपना स्वास्थ्य लाभ लें, और ये सब निःशुल्क होता है। हमारे चैनल के माध्यम से कुछ आप संदेश देना चाहेंगे? हाँ, यही संदेश है कि भैया ये कैंसर जैसी बीमारी से घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये कैंसर मौत, कोई कैंसर से ही सारी दुनिया नहीं मरती, बहुत सारे रोग हैं, मौत तो ये मृत्यु लोग है लिखी है, लेकिन ये कैंसर से आपकी मृत्यु हो ये निश्चित नहीं है। आप हमारे पास आइए, कैंसर का इलाज करवाइए, और बड़े आसानी से आप मत भटकिए, उसे मत छेड़वाइए, ठीक है, आप आइए बड़े आराम से, बहुत कम सस्ती चिकित्सा में आपका समय बर्बाद नहीं होगा, आपका स्वास्थ्य नहीं बर्बाद होगा, आपका बहुमूल्य मतलब आपको जो इतना खर्चा, पानी, भाग दौड़ और चिंता, मानसिक तनाव, ये सब दूर होंगे, बड़े आराम से कैंसर ठीक हो जाए, कोई लाइलाज बीमारी नहीं है ये। कानपुर से रिलेटेड लोग हैं जो कानपुर में रहते हैं या कानपुर के आसपास रहते हैं, उनको तो आप उपलब्ध हो पा रहे हैं, जब हरियाणा, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल जो के लोग जो आपके संपर्क में, उनको दवाइयाँ क्या टेलीफोन के माध्यम से है या कोई ऑनलाइन सुविधा भी है? ऑनलाइन सुविधा है हमारी, हमारे कुछ नंबर हैं जो हमसे व्हाट्सएप पर भेजते हैं, अपने बातचीत करते हैं व्हाट्सएप पर, अपनी रिपोर्टें भेजते हैं, उसके बाद हम उनका ट्रीटमेंट भेजते हैं, उन्हें बताते हैं। हमारा एक सबसे बड़ा भोजन तालिका, हमारी भोजन तालिका बहुत इंडिपेंडेंट करती है, अगर उसके अनुसार रोगी चलता है तो बड़ी आसानी से मतलब जो है रिकवर होता है, तो भोजन तालिका का प्रबंध भी हम देते हैं, उसको पर्चा लिख के देते हैं, दवाइयाँ कोरियर द्वारा भेजते हैं, ठीक है, जैसा जिसको जैसा सुविधा होती है वैसे हम कर देते हैं। चलिए, आपको आज जानकारी दी गई कि हमारे डॉक्टर अनिल वर्मा जैसे कैंसर पे जो शानदार काम कर रहे हैं, हम इनको शुभकामनाएं देते हैं बिफोर स्प्रिंट की तरफ से कि ऐसे ही मानव सेवा करते रहें, और जो इस तरह घातक बीमारियों से परेशान होकर मौत के गले लग रहे हैं उनको बचाने काम कर रहे हैं, उनको बधाई देते हैं किसी तरह वो काम करें और लोगों की जान बचाएं। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।